Hello everyone, welcome back to HTML and CSS from beginners to advanced tutorial playlist. So last video में हम लोगों ने element list को nest करना सीखा और उससे पहले हम लोगों ने list के बारे में पढ़ा था. Last video में हम लोगों ने nesting of list के बारे में जाना और यहाँ पास हम देख सकते हैं जैसा हम लोगों ने यहाँ पास output हमारा जो निकला actors and their roles. Okay. सो ये था लास्ट वीडियो. अब हम लोग इस वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे. तो मैंने यहाँ पास ऑलरेडी एक पेज बना रखा है, मैंने बस इसका स्ट्रक्चर लिख रखा है और कुछ नहीं किया है. सो आते हैं इसी में. मैं पहला वाला पेज सब बंद कर लेता हूँ, नेक्स्ट एचटीएमएल मैं बंद कर लेता हूँ, लिस्ट भी मैं बंद कर लेता हूँ. ग्रेट. सो फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट में हम लोग ये जानेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं. जैसे लिखने का तो एक नॉर्मल तरीका, मैं जैसे एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ. ओके, मैंने यहाँ एक पैराग्राफ टैग बना लिया है. मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ नो इम्पोर्टेंस. ठीक है. सो मैंने यहाँ पास एक पैराग्राफ बना लिया है और अब हम लोग इसमें देखेंगे. पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से रिफ्रेश करा लेता हूँ. तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पास एक पैराग्राफ बनाया था और हमारा ये पैराग्राफ यहाँ प्रिंट हो चुका है. तो ये तो एक नॉर्मल स्टाइल में हुआ, मगर अब मुझे चाहिए कि मुझे मेरे पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक अलग टोन में हैं. तो उन सब को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. जैसे शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट के बारे में, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में. सो स्ट्रॉन्ग है क्या, जैसे मैं दिखाता हूँ स्ट्रॉन्ग. जैसे मेरे पैराग्राफ में अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है वो, और जैसे मैं इसे अब सेव कर लो करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ. सो मैं इसे सेव किया हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ था वो अब बाकी वर्ड्स से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है. सो स्ट्रांग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अगर एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ, वेट. ओके, मैंने यहाँ पास एक पैराग्राफ और बना लिया है और इसमें लिखा है कि फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी. ओके, सो यहाँ पास मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें मैं कह रहा हूँ कि फादर ऑफ नेशन इज़ महात्मा गांधी. तो अगर मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी तो एक काफ़ी अच्छे हस्ती हैं, काफ़ी बड़े हस्ती हैं, तो मैं इन्हें एक नॉर्मल आम वर्ड्स की तरह तो नहीं इन्हें शो करूँगा. सो मैं यहाँ पास यूज़ करूँगा एक स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, जो इन्हें बाकी वर्ड्स से अलग बनाएगा. ओके, यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, सॉरी. सो मैं स्ट्रॉन्ग को बंद कर लेता हूँ. स्ट्रॉन्ग, अब मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पास महात्मा गांधी वर्ड अब ज़्यादा पावरफुल अब दिख रहे हैं बाकी सारे वर्ड्स के कंपैरिजन में. तो यही होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. हम लोग काफ़ी सारे टेक्स्ट को अभी फॉर्मेट करेंगे, तो आगे और अभी देखते हैं हम लोग. मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. हाँ, सो अब हम लोग और सारे वर्ड्स को देखते हैं. जैसे एक और टैग है मेरा, मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कोट्स बाद में दे सकूँ. ओके, सो इसमें जैसे मेरा लिखा हुआ है, इट इज़ अ पुसी कैट बिल्ली. सो मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ. तो यहाँ पास मेरा लिखा हुआ है नॉर्मली इट इज़ अ पुशी कैट, लेकिन मैं इस कैट को
एक अलग ही टोन में देना चाहता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर इटैलिक्स वर्ड का यूज़ किया, इटैलिक्स आप जानते होंगे, मैं इसे इटैलिक्स में अगर शो करना चाहूँगा तो ई है हमारे पास, उसके लिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ देखें, अब हमारा जो कैट था वो एक इटैलिक फॉन्ट में आ चुका है। वैसे मैं और सारे फॉन्ट आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। ओके, पैराग्राफ, हाँ, अब मैं इसमें लिखता हूँ थैनोस। मैंने यहाँ थैनोस लिखा और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। मेरा यहाँ पास थैनोस प्रिंट हो गया, मगर मैं चाहता ना कि मेरा थैनोस, मतलब मेरा नहीं, सबका थैनोस ऐसे नहीं लिखा रहा है, तो मैं इसे और थोड़ा सा बोल्ड दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो है। मैं यहाँ पास एक टैग यूज़ करूँगा, डैट इज़ बी। यहाँ पास बी कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था आप को कि HTML के सेंसिटिव नहीं होता है ये। यहाँ बी कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पास सारे वर्ड्स को, सारे टैग्स को स्मॉल से ही किया है, तो हम लोग यहाँ पास भी स्मॉल करेंगे। और हाँ, टैग्स को कभी क्लोज करना ना भूलें, मैं भी भूल गया था। मैं यहाँ सेव करता हूँ बी टैग को और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये बाकी सारे वर्ड्स से ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। ये इम्पोर्टेंस होता है आपको बोल्ड बी टैग का। अब जैसे मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पास बना लेता हूँ। ओके, मैंने एक और पैराग्राफ बना लिया। अब मैं इसमें लिखता हूँ द विनर इज, अपना नाम लिखता हूँ अनस। मैंने यहाँ पास एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा है कि द विनर इज़ अनस, लेकिन मुझे अपने HTML कोड में, मुझे अपने यूज़र्स को इस तरह से दिखाना है कि मेरा ये जो वर्ड है अनस, ये अब कट हो चुका है, मतलब ये विनर नहीं है। तो मैं इसे एक और एट्रीब्यूट में डालूँगा जिसका टैग है एस, स्मॉल कर लेता हूँ, और फिर मैं इसे एस टैग से क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ एक और इसे टैग में डाल दिया है अनस को, मैं इसे सेव करता हूँ और मैं आप लोगों को इधर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए डिफरेंस आप लोगों को दिख गया होगा, यहाँ अनस एक वर्ड जो कि कट गया है। अब मैं यहाँ पास इसके बगल में लिख लेता हूँ सैफ, एंड द विनर इज, और यहाँ पास अनस कट चुका है और यहाँ पास सैफ लिखा गया है। इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड्स में आर पार कर सकते हैं एक लाइन को। और आइए एक और नया पैराग्राफ बना लेते हैं हम लोग। पैराग्राफ, वेरी गुड। हम लोगों ने यहाँ पास एक और पैराग्राफ बना लिया है, और हम लोग यहाँ पास कुछ लिखते हैं समथिंग लाइक दिस इज एन अंडरलाइंड टेक्स्ट। मैं यहाँ बस बता रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन है, अभी है नहीं फिलहाल। अब मुझे अगर मेरे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मैं क्या कोड यूज़ करूँगा? उसके लिए मेरा एक कोड है डायरेक्टली यू, मैं यू टैग यूज़ कर लेता हूँ जिसका मतलब हुआ अंडरलाइन। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ओके, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पास ये मेरा वर्ड जो है वो अब अंडरलाइन हो चुका है। इससे मुझे पता चलता है ये मेरा वर्ड अंडरलाइन है। मैं ये यू टैग की मदद से कर सकता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ एब्रिविएशन और एक्रोनिम के बारे में, और फिर मैं और भी सारे टर्म्स बताऊँगा। पहले मैं हम लोग देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। पी क्लोज हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पास हम लोग देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पास लिख देता हूँ शॉर्ट क्यूटेशंस के बारे में हम लोग देखें, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज अ शॉर्ट क्यूटेशन। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये तो मुझे नॉर्मल कोटेशन में दिख रहा है, मगर मुझे इसे एक शॉर्ट कोटेशन में दिखाना है, तो मैं यहाँ पास एक कोड लगाऊंगा क्यू टैग। मैं यहाँ क्यू टैग को क्लोज भी कर देता हूँ,
मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ। ये मुझे अब एक क्वोटेशन में दिखा रहा है। ओ सॉरी गाइस, हाँ तो ये मुझे क्वोटेशन में दिखा रहा है। मैं बता रहा था कि ये एक क्वोटेशन टैग है, मैंने शॉर्ट ऐसे ही, हाँ छोटा सा कोटेशन टैग है। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक कोटेशंस। आप अपने वर्ड में क्योट कर सकते हो, जैसे गांधी जी सेड दिस, और फिर आप इसे क्योट में डाल दो बाय द हेल्प ऑफ क्यू टैग। और ऐसे ही मैं एक और कोट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है काफ़ी हैं, और ये हम जब आगे वेबसाइट बनाएंगे तो काफ़ी हेल्प करते हैं टेक्स्ट को अलग दिखाने में। तो जैसे मैं यहाँ पास बताता हूँ कुछ टैग, एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। ओके इसे क्लोज कर देता हूँ। ग्रेट, अब मैं जैसे बता रहा हूँ, दिस इज़ शॉर्ट और यू कैन से स्मॉल टेक्स्ट, नॉट टेक, इट्स टेक्स्ट। तो मैं बता रहा हूँ ये मेरा टेक्स्ट स्मॉल है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके ये जो मेरा स्मॉल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसे और स्मॉल बनाना, तो मैं यहाँ पास स्मॉल टैग यूज़ करूँगा। मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ, स्मॉल। ओके रिफ्रेश करता हूँ, और आप यहाँ पास अभी डिफरेंस देखना, अभी स्मॉल कैसा लिखा हुआ और रिफ्रेश करने के बाद कैसा हो रखा है। मैंने इसे जैसे ही स्मॉल किया गाइज, आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं मेरा स्मॉल और स्मॉल हो गया है, काफ़ी स्मॉल हो चुका है। लाइकवाइज आप यहाँ पास बिग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं बड़ा करने के, जैसे ये जो बगल में टेक्स्ट है मैं इसे बिग कर देता हूँ। ओके बाय द हेल्प ऑफ बिग, ओके BIG, सेव करता हूँ, और यहाँ पास मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है टेक्स्ट टैग। आप यहाँ पास अगर नोटिस नहीं हुआ, आप खुद से ट्राई कर लें। ये था हमारा कुछ कुछ टैग, और अगले वीडियो में हम लोग और टैग्स के बारे में जानेंगे, और एब्रेविएशंस एक्रोनिम्स के बारे में जानेंगे, हम लोग शॉर्ट कोटेशंस एक सम स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टेक को एट गुरु।